मित्रों, आज देश में नरेंद्र मोदी सरकार फेडरल स्ट्रक्चर का सम्मान करते हुए सभी राज्यों के विकास के लिए काम कर रही है, मगर यहां पर केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को जिस तरह से 106 योजनाओं को शिवराज सिंह चौहान सरकार नीचे तक पहुंचाने के लिए परिश्रम कर रही है, अहर्निश परिश्रम कर रही है, मुख्यमंत्री स्वयं इसकी देखभाल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश केंद्रीय योजनाओं के सबसे ज्यादा लाभ लेने वाला राज्य बना है और अपनी स्वतः की योजनाओं को भी जमीन पर पहुंचाने में सफल रहा है और इसके कारण आज मध्य प्रदेश एक विकसित राज्य बना है। मित्रों, आने वाले दिनों में भी नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी के नेतृत्व में ये मध्य प्रदेश की विकास यात्रा चालू रहेगी और हमें भरोसा है कि मध्य प्रदेश की जनता जो कई सालों से करीब करीब 15 सालों से अविरत रूप से सातत्यपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देती है, आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की 2/3 से ज्यादा बहुमत से निश्चित रूप से सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है।